का चेहरा हमारे पास राहुल गांधी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहीं किसी मंच पे आप बोल ही नहीं पाए। जब महागठबंधन बन रहा था कलकत्ता के अंदर, आपने प्रधानमंत्री पद का शब्द भी मुंह से आप नहीं निकाल पाए। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मना कर दिया, मायावती जी ने आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मना कर दिया, आप 72,000 का लॉलीपॉप दिए तब भी आज क्या कहते हैं, अगर आप ये बोल रहे वोटिंग परसेंटेज का वही भाजपा का वोट चला गया तो भैया 72,000 के बाद तो आपके भी वोट नहीं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ने इस बात को कही है कि हमारे पास चेहरा नहीं है, और आप भी लावणी जी पूछ रही है, पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता मंच पे सिर्फ एक ही बात कहता था कि हर राज्य के अंदर आपके पास 5-5 चेहरे हैं, कौन सा चेहरा होगा, कौन सा चेहरा होगा। इसमें पूरे चुनाव कैंपेन को उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गए, मतगणना हो गई, आज कमलनाथ किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, रमन सिंह की जगह पे जो कहते थे हट नहीं पाएंगे उसकी जगह पे भूपेश बघेल जी किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी वहाँ काम कर रहे हैं। तो आज हमारे पास चेहरे हैं। जब जब 2004 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था, किसी को नहीं पता था मनमोहन सिंह जी चेहरा होंगे, लेकिन 10 साल चेहरा साबित हुए। और मैं आपसे कहता हूँ 23 तारीख के बाद इस देश के अंदर चेहरा आ जाएगा। अरे भाई, ये सवाल नहीं होना चाहिए, मेरी बात सुनिए, सवाल गलत है। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, सवाल सही है, लेकिन इस देश राष्ट्रीय जिज्ञासा का प्रश्न है, कौन होगा चेहरा है तो पुरके में छुपा के क्यों रखा है, दिखाइएगा जनता को कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा, जो युवा पुरके में क्यों छुपा के रखा है प्रधानमंत्री का चेहरा। भाई जिसने पुरका हटाइए, 130 करोड़ जनता की राष्ट्रीय जिज्ञासा है, दिखाइए प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों है, जो भाजपा पुरका हटाइए चेहरा से, बन करके मेरे बगल में राजनीतिक पत्रकार बन के बैठे, ये पुरका हटा दीजिए प्रधानमंत्री के चेहरे से, ये पुरका हटा दीजिए चेहरे से, कौन है चेहरा प्रधानमंत्री पद का, दिखा दीजिए, राष्ट्रीय जिज्ञासा है। 23 तारीख ले लीजिए इनके, अब इनसे पूछे कि चेहरा कौन है, ये मैं बता उस चेहरे पर से पुरका हटाइए तो ये पुरका हटाने को भी तैयार नहीं है। 130 करोड़ जनता जानती है, पुरका हटाइए प्रधानमंत्री पद के चेहरे से, पुरका हटने वाला है नरेंद्र मोदी के चेहरे से, धोखेबाज के चेहरे से, अरे आप अपने चेहरे से हटाइए, किसान विरोधी के चेहरे से, आप अपने प्रधानमंत्री के चेहरे से क्यों छुपा के रखा है सर, प्रधानमंत्री जो होने वाला है विपक्ष का, उसके चेहरे पे बुर्का क्यों है, हटाइए। दो दिन पहले भाजपा नेता ने मेरठ में दरोगा की एनएलटी का चीर हरने का काम किया, वो भी देश ने देखा, 12,000 किसान सालाना आत्महत्या कर रहे, ये कैसी संवेदनशीलता, ये भी देश ने देखा, नोटबंदी करके 161 लोगों की मौतें हो गई, वो कैसी संवेदनशीलता थी, ये भी देश ने देखा, 40,000 व्यापारी जीएसटी का विरोध, ये भी कैसी संवेदनशीलता थी, ये भी देश ने देखा। अरे भाई किस तरीके की बात करते हैं, ये सामंतवादी लोग, ये वही सामंतवादी लोग हैं जिन्हें यदि किसी दलित का बच्चा घोड़ी पे चढ़ जाए तो इनके सीने पर सांप लौट जाते हैं, सामंतवादी लोग। आज देश हित की बात करते हैं, ये सामंतवादी लोग हैं, यदि किसी दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़कर अपनी शादी में जाता है तो ये लोग लावणी में बताता हूँ, लावणी आप भाजपा के एजेंट हैं, आप बात मत कीजिए, आप संविधान को नहीं मानते, आप मनुस्मृतिवादी लोग हैं, क्या बुराई है मनुस्मृति मानने में, क्या बुराई है मनुस्मृति मानने में, आप बताओ ना, रोक सकते हो तो रोको, रोक सकते हो तो रोको, हम मानते हैं, मानते रहेंगे, हाँ तो डाल दो जेल में, पहले सरकार बना लो फिर जेल में डाल दो, तो डाल दो जेल में, पहले सरकार बना लो फिर जेल में डाल दो, तो डाल दो जेल में, पहले सरकार बना लो फिर जेल में डाल दो, तो जेल में डाल दो, शीशे तोड़ने से आप नहीं रोक पाओगे, जेल में डाल दो, शीशे शीशे तोड़ने से कुछ नहीं होगा, शीशे तोड़ने से कुछ नहीं होगा, तोड़िए शीशे, शीशे तोड़िए, शीशे तोड़िए, अरे तोड़िए शीशे, शीशे तोड़िए, शीशे तोड़ने से आपकी बात नहीं मानेंगे, 2-4 ग्लास और पटक दीजिए, पटक दीजिए 2-4 ग्लास, जवाब नहीं है तो ग्लास में गुस्सा निकालिए, जवाब नहीं है तो ग्लास में किस्सा, ग्लास में किस्सा, ग्लास में किस्सा गुस्सा उतारिए, तर्क नहीं है तो ग्लास में किस्सा गुस्सा उतारिए, कौन से तरीके की बात चुप गई, कौन सी असंवैधानिक बात बोल दी है, कौन सी असंवैधानिक बात बोल दी है, कौन सा गलत बात बोल दिया है, जबरदस्ती आपके फेवर में बोलूं, जबरदस्ती आपके फेवर में बोलूं, प्रेशर में लेके आप अपने फेवर में बुलवाएंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल, मीडिया में आकर संविधान की निंदा कर रहे, कौन से संविधान की निंदा मैंने की है,
कौन से संविधान की मैंने निंदा की है बताइए ना, कौन से संविधान की निंदा की है? मनुस्मृति मानना कोई गुनाह नहीं है, किस कौन से संविधान में लिखा है कि मनुस्मृति मत मानो? कौन सी मनुस्मृति को न मानने के लिए संविधान में लिखा हुआ है? कौन से संविधान की निंदा कर रहा हूँ? कौन से संविधान की निंदा कर रहा हूँ? कौन से संविधान की निंदा कर रहा हूँ? कौन से संविधान की निंदा किसने की? किसने की बताओ ना, किसने की? दो चार ग्लास और पटक लीजिए। प्रेशर बनाने की कोशिश मत करिए, सवाल पूछने पे आप प्रेशर बनाने की कोशिश मत करिए। जरूरी नहीं है कि आपकी बातों को माना जाए। अरे जाइए आप, दो चार ग्लास और तोड़िए दो चार। कौन से संविधान की निंदा की है? पांच लोग बैठे हैं, कौन से संविधान की निंदा की है? आप मनुस्मृति का ताना मत मारो, समझे कि नहीं? नहीं, यही संविधान कहता है, यही संविधान। संविधान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप दोनों को, और आपको आप संविधान की बात करते हैं, आप गिलास फेंकते हैं। अरे जब कोई सुनता नहीं है तो राजनीतिक मंच है।